हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको एमटार टेक्नोलॉजी की जो लिस्टिंग डेट में जो चेंज आया है मैं उसके बारे में बताने वाला हूं, और ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों को एमटार टेक्नोलॉजीज में अलॉटमेंट नहीं मिली है क्या उनको उसमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने NSE का लेटर आ गया है जो कि कल आया था 12 बजे, मतलब 12 तारीख को कल आया था, क्योंकि मैं आपको आज बता रहा हूँ 13 तारीख को। देखिए, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो एमटार टेक्नोलॉजीज की जो लिस्टिंग पहले 16 तारीख को होने वाली थी वो लिस्टिंग अब 15 मार्च 2021 को होगी। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो लिस्टिंग है वो एक दिन पहले होने वाली है। तो जिन भी लोगों को एमटार टेक्नोलॉजीज में अलॉटमेंट मिला है, तो मैं बता दूं कि इसकी लिस्टिंग अब 15 मार्च यानी कि जो आने वाला मंडे है उस दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इसकी लिस्टिंग 16 तारीख को नहीं होगी, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसको, मतलब जिस दिन इसकी लिस्टिंग हो रही है उस दिन अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो ठीक है। तो ये टोटल लिस्टिंग का, इसकी लिस्टिंग कब हो रही है इसके बारे में मेरे को आपको बताना था। एक तो ये न्यूज़ था। उसके अलावा अभी देखिए, अभी ऑन डेट अगर आप 13 मार्च मतलब आज की अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे तो यहाँ पर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 500 रुपीज़ का चल रहा है। मतलब एक शेयर के ऊपर 500 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल है। और देखिए, इसका लॉट साइज मेरे ख्याल से 26 का था, तो 26 के हिसाब से मतलब लगभग 13,000 रुपये आपको, मतलब लगभग लिस्टिंग के लगभग प्रॉफिट हो सकता है। अब देखिए, मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को अलॉटमेंट मिली है, देखिए मेरे ख्याल से 26 शेयर्स का लॉट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 23 शेयर्स बेच दीजिए। देखिए, मैं मेरी मतलब मेरी जो रणनीति है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, 22 से 23 शेयर्स आप बेच दीजिए और बाकी के जो 3 शेयर है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप 22 शेयर भी बेचोगे तो 22 शेयर के हिसाब से लगभग इसकी 1100 के लगभग लिस्टिंग होगी, तो 22 शेयर के हिसाब से भी आपको लगभग मेरे ख्याल से 24 से 25 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। मतलब आपको अपने 15,000 के ऊपर आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर बाकी इसमें जैसे हमने रूट मोबाइल में देखा, हैप्पीएस्ट माइंड में देखा, तो वो शेयर एकदम अच्छे खासे भागे, तो इसमें भी अगर बाई चांस बाद में एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, तो इसीलिए आप इसमें 3 से 4 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बात होगी। अब देखिए, जिन लोगों को इसके अंदर मतलब लिस्टिंग के दिन इन्वेस्ट करना है, देखिए उनके लिए मैं यही बोलूँगा, क्योंकि देखिए 500 रुपये का GMP अवेलेबल है और 500 रुपये पर एकदम बम्पर लिस्टिंग होगी, तो उस वक्त थोड़ा सा एकदम से इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब लगभग अगर 1100 के लगभग इसकी लिस्टिंग होती है तो लगभग ये 1200-1250 ऑन डे जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले से 100% इसकी लिस्टिंग होगी। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लगभग 75 से 90% प्रीमियम पे इसकी लिस्टिंग होगी। जी मतलब अगर ये 1000 रुपये से ऊपर लिस्ट होता है तो उस प्राइस पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता है। देखिए, हमने बहुत सारे IPOs में देखा है, जैसे रेलटेल में भी देखा है, रेलटेल भी मतलब खुलते ही एकदम अच्छा खासा चढ़ाया गया था, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की पोल लगा दी थी, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को कैसे भी करके लॉस में आना चाहिए। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप इसमें लिस्टिंग के दिन इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है, मतलब लगभग 1100-1100 के लगभग लिस्ट होता है, और अगर बाई चांस 800-850 के लेवल पर आता है तो आप इसमें ज़रूर खरीदारी कीजिए। देखिए, उससे ऊपर अगर आप खरीदारी करोगे तो आप एक ओवर वैल्यूड प्राइस पर इसको बाय करोगे। देखिए, उसके बाद भले ही ये शेयर 1100 के बाद भली 1500-2000 भी जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं जा सकता, लेकिन देखिए वो उसको ऑपरेटर भगाएगा, फंडामेंटल्स नहीं भगाएंगे, उसको ऑपरेटर भगाएगा, और बाद में गिराने वाला भी ऑपरेटर ही होगा, और उसमें फंसेगा कौन? रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं उसमें। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि लिस्टिंग के दिन प्लीज बाय मत कीजिएगा। देखिए, वैसे ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं आपको बोलने वाला कौन होता हूं, आपको जो सही लगे आप वो कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको एमटार टेक्नोलॉजीज के लिस्टिंग डेट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।